naam Waseem Aziz hai, managing director of travel destination online, jo ke ek B2B wholesale hotel wholesale company hai. Hum log base karte hain Bahrain mein. Bahrain ke alawa hamara Dubai mein office hai, hamara Pakistan mein do offices hai, Saudi Arabia mein office hai, Nigeria mein hai, Algeria mein hai. Far East mein hum log Malaysia mein base kar rahe hain. तो ऑलमोस्ट एवरी रीजन जो है हम लोग कवर कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हम लोगों ने कनाडा में भी ऑफिस ओपन किया है टू गेट कैनेडियन मार्केट एज वेल, क्योंकि इट्स अपकमिंग मार्केट फॉर एशिया रीजन. स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात करें तो कनाडा से और यूके से जो सिख यात्रा है वो हमारा टारगेट है, जो कि तकरीबन 5,500-6,000 जो सिख यात्री आते हैं वो पाकिस्तान में कनाडा से और यूके से, अभी उनको हम टारगेट कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हम लोग उमरा कंपनीज़ के साथ भी कांटेक्ट में हैं, तो हमारा प्लान जो ये है कि उमरा के लिए भी हम लोग जो एक स्टार्ट करें. लेट्स सी, मतलब वो उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी हैं अभी जो रिसेंटली चेंजेस आ रही है उमरा के लिए. अदरवाइज़ जो है हम लोग B2B तो कर ही रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर से हमारा कोई लिंक नहीं है. जस्ट एंड कंज्यूमर को हम लोग अप्रोच ना करते हैं, ना वो हमें अप्रोच करते हैं. तो जस्ट लाइक अ B2B बिजनेस हम ट्रैवल एजेंट से डील कर रहे हैं. मोस्टली जो कंपनीज हैं ट्रैवल एजेंसीज, जैसे बुखारी ट्रैवल है, सना है, जो बड़े बड़े नाम हैं वो सब लोग हमसे लेते हैं. होटल्स लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं, ग्रुप्स का बिज़नेस हम कल कर रहे हैं. वीज़ा, अगर आपको दुबई का वीज़ा चाहिए वो लोग भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हम शायद सिंगापुर के लिए वीज़ा भी अरेंज कर रहे हैं. तो ये सारा एक है हमारा जो ऑनलाइन मुझे कुछ नज़र आ रहा है आपके, तो उसमें भी कर रहे हैं आप लोग उमरा में. जस्ट हम लोग अभी स्टेप इन कर रहे हैं, अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है वो, लेकिन जैसे होगा वो हम लॉन्च करेंगे ऑनलाइन. वो भी ऑनलाइन ही करेंगे हम लोग, जिसमें एक कंप्लीट पैकेज आपको होटल के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ, वीज़ा के साथ, वो पूरा एक पैकेज ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगा आपको. हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं B2C के नाम से भी, मतलब उसको 2-2.5 महीने में शायद लॉन्च करेंगे हम लोग पाकिस्तान में और अफ्रीका मार्केट में. दैट इज़ B2C इंक्लूडिंग टिकट्स, होटल्स प्लस उमरा पैकेजेस. तो अच्छा वसीम साहब, इसमें जो टूरिज़्म के हवाले से अभी आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है और कुछ लोगों का रुझान बढ़ा है टूरिज़्म की तरफ, और हमारे वज़ीर आज़म साहब खान साहब भी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ फ्री वीज़ा भी कुछ कंट्रीज़ के लिए किया है, तो उसका उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है आप लोग? इम्पेक्ट मिला है कुछ? देखें, आउटबाउंड तो था ही, आउटबाउंड तो हो रहा है पाकिस्तान से ऑलरेडी, जो कि बेसिकली 5-6 डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग भी करते हैं. दुबई है, इजिप्ट है, थाईलैंड है, मलेशिया है, उसके अलावा आज़रबाईजान, टर्की, ये तो 6 टॉप डेस्टिनेशन है. लेकिन अगर इनकमिंग की बात कर रहे हैं अभी आप, तो मेरा ख्याल अभी 2 दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था कि लास्ट ईयर का जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं अबाउट 900,000 जो इनबाउंड के लिए लोग आए बाहर से ट्रैवल करके, जो डोमेस्टिक जो हिल स्टेशन देखने के लिए सारे, जो हुंजा वैली और ये वो टोटल 900,000 नंबर हैं, विच इज़ इंक्रीजिंग. तो आई होपफुली कि मतलब अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा उसको कंट्रोल कर लें. बेसिकली अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि मैं मिडल ईस्ट रीजन में बैठा हुआ हूँ, होटल्स आर नॉट अप टू द लेवल ऑफ मिडल ईस्ट रीजन. अब यूरोपियन जो बैक पैकर्स हैं उनको तो अट्रैक्ट कर सकते हैं विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अगर आप बोलेंगे मिडल ईस्ट से आपको चाहिए बिजनेस, आई एम नॉट एग्री सो फार के विद दिस होटल कैटेगरीज और ये वो सारा जो उस रीजन में है. इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बेस्ड इन सऊदी अरेबिया, ऑलमोस्ट 450 ट्रैवल एजेंसीज हमारे पोर्टल पे काम करते हैं. व्हेन एवर आई एम विजिटिंग देम, मैं उनको बताता हूँ कि दिस इज़ पाकिस्तान, हुंजा वैली की वीडियो दिखा दी, कभी कभी स्कर्दू भी दिखा दी, दे आर रियली इम्प्रेस्ड, दे वॉन्ट टू कम. बट इमेज जो बना हुआ है पाकिस्तान का, वो जो टेररिज्म और ये वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, प्लस अब मैं पर्सनल बता रहा हूँ आपको, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो जब भी मैं जाता हूँ मेरी कोशिश होती है नथिया गली विज़िट कर लूँ, क्योंकि नियरेस्ट डेस्टिनेशन यही है, टाइम इतना होता नहीं. तो नथिया गली में एक ही होटल है जो 3-स्टार कैटेगरी में आता है, दैट इज़ एलीट होटल, उधर रूम ही नहीं मिलता. तो इट मीन्स कि अगर वहाँ पर और डेवलप किया जाए, दैट इज़ द नियरेस्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम इस्लामाबाद, अपकमिंग डेस्टिनेशन. मरी के बाद अगर मैं बोलूँ, अगर विद इन 2-3 ईयर्स आप देखेंगे कि नथिया गली विल बी द बेस्ट डेस्टिनेशन आफ्टर मरी, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से. लेकिन वहाँ पे होटल्स नहीं है दैट लेवल के, नहीं है जो लोग मांगते हैं.
तो मिडल ईस्ट रीजन के लिए अगर आपको कैप्चर करना है, मिडल ईस्ट रीजन वो रीजन है जहाँ से आप रेवेन्यू बना सकते हैं. दे डोंट केयर अबाउट द मनी, दे केयर अबाउट द लग्जरी. दुबई को देख लेना आप, दुबई में क्या है, खाली वहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है. उस पर भी उन्होंने इतनी फैसिलिटीज दी है कि लोग दुनिया से वहाँ आते हैं, दुनिया से वहाँ आ रहे हैं वो लोग. दुबई अगर आप बोल रहे हैं, मलेशिया अगर आप बोल रहे हैं, तो उनको थाईलैंड आप बोल रहे हैं, उनका जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज़ टूरिज़म. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और इसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे हमारा टूरिज़म प्रमोट हो, मजीद जो है फॉरेन टूरिस्ट हमारे मुल्क में आए, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर मैं अगर बाहर बैठे हुए हैं, सिचुएशन हाँ सिनारियों को भी आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन देखी लॉ एंड ऑर्डर की, दैट इज़ क्वाइट फाइन. अगर कंपेयर टू आप पिछले 4-5 साल में देख रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट फाइन. सो देर इज़ अ चांस. चांस का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली. अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों को न्यूज़ आई है कि स्विस होटल जो है वो लोग कोई 5 अपने प्रोजेक्ट इधर स्टार्ट कर रहे हैं, स्वात में, पिशावर में, आई थिंक मालम जब्बा में, नारान वगैरह में. वन इट विल कम, स्विस होटल इज़ इंटरनेशनल चेन, इज़ वेरी फेमस इन मिडल ईस्ट रीजन ऑल्सो. तो वंस दैट विल बी देयर, आई फील के इधर का क्राउड हम पुल कर सकते हैं जो मिडल ईस्ट रीजन का स्पेशली. तो अभी मलेशिया में भी हम लोग, अभी मैं कल ही देख रहा था कि कुछ ग्रुप्स मलेशिया से भी आए हैं पाकिस्तान में. तो इट मींस इट्स जस्ट स्टार्टिंग, बट जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा उस टाइम तक हम लोग पुल नहीं कर सकते उन लोगों को. सर एग्जीबिशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या रोल होता है एग्जीबिशन को प्रमोट करने में? आप थर्ड टाइम मेरे ख्याल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हम लोग जब से पीटीएम स्टार्ट हुआ है हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. स्पेशली सऊदी अरब से यहाँ आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान में क्योंकि ऑफिस है, बहरीन वाले भी आए हुए हैं, पाकिस्तान वाले भी हैं, मैं सऊदी अरेबिया से हूँ, तो दुबई वाले हमारे भाई साहब आ नहीं सके. असल में क्या रेस्पॉन्स आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये इसकी मजीद रेस्पॉन्स अचीव करने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, लैक ऑफ एडवर्टाइजिंग है, मीडिया में नहीं है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. मैंने लोगों का इंटरेस्ट इतना देखा नहीं है, वो उन्होंने पोल पर वो लगा दिए लोगों, एक तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा मतलब मैं हर मरतबा इनको बोलता हूँ कि भाई जस्ट लाइक मतलब एक एटीएम दुबई में होता है, अगर उससे आप कंपैरिजन करें तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं. वो उस लेवल पे हमें पहुंचने के लिए जो मैं अभी देख रहा हूँ पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई. सेम वही प्रॉब्लम जो लास्ट 3 ईयर से हमको फेस कर रही हैं, स्टैंड रेडी नहीं होते जब हम लोग पहुँचते हैं, सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं है. मतलब वो जब फर्स्ट डे में आया था सफाई हो रही थी अभी 11 बजे भी. तो ये पहले साल से हमको ये चैलेंजेस आ रहे हैं. वो नहीं किए थे 11 बजे तक. हम लोग बाहर से सप्लायर्स को बुलाते हैं थाईलैंड. फर्स्ट ईयर तो मैं बता नहीं सकता हुआ क्या था, एक दिन ही सिर्फ पीटीएम अटेंड किया था हमने. कोई मौलाना साहब के धरने वरने शुरू हो गए थे, उस वजह से एक ही दिन पीटीएम हुआ था, 2 दिन पीटीएम चला नहीं था, लोग भागे थे यहाँ से. थाईलैंड वाले फ़ौरन निकल गए, मलेशिया वाले फ़ौरन निकल गए. तो ये चीज़ें सारी काउंट करती हैं. अगर आपने डेवलप करना है इन चीज़ों को सबको, तो आपको इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा. अच्छा सर, थोड़ा सा ज़रा अपनी कंपनी के हवाले से, अपने हवाले से बैकग्राउंड ज़रा बताइए, कैसे इस फील्ड में आए, कैसे चॉइस करी आपने? बहुत सारी फील्ड थी, इसको क्यों चॉइस किया आपने, और बैकग्राउंड आपका क्या है, इससे रिलेटेड है या अचानक इस फील्ड में आ गए? सऊदी अरब में कब से आपने मैंने स्टार्ट तो टिकटिंग से किया था. अच्छा, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सऊदी अरब चला गया मैं. सऊदी अरब भी मैंने टिकटिंग से स्टार्ट किया, लेकिन एक मेरे अच्छे मैनेजर बोलूँगा मैं, उस टाइम मेरे मैनेजर थे वो, पाकिस्तानी थे वो भी, उन्होंने मुझे बोला टिकटिंग में कुछ नहीं रखा भाई, फ्यूचर जो है अभी होटल्स का है, तो होटल्स में जंप करो. वो स्टार्ट किया आस्ता आस्ता, वो पैकेजेस बनाने शुरू किए, वो करते 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 कुछ एक बड़ी कंपनी है दुबई बेस्ड है, उन्होंने भी मेरे पैकेजेस वगैरह देखे, उनको भी थोड़ा अट्रैक्टिव हुई कि बंदा काम करने वाला है. उन्होंने मुझे ऑफ़र किया एज ऑपरेशन सुपरवाइज़र इन सऊदी अरेबिया उस सेम कंपनी में. तो ऑपरेशन को सुपरवाइज़र से होते होते फिर सेल्स में आए हम लोग, और सेल्स करते करते फिर अभी इस लेवल पे पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑनलाइन. तो इट विल टेक टाइम ऑलवेज, ये नहीं है कि आपने जंप किया और फौरन किसी लेवल पे पहुंच गया. आप कोई लग गया तो लग गया, वरना फ्लूक के बगैर वो कुछ नहीं होता. नहीं, ये आपके पास पैसा इतना है कि भाई आप
فوراً سے پہلے کچھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو اٹ ول اٹ از آلویز ٹیکنگ ٹائم. اچھا سر, کوئی سجیشن دینا چاہیں گے, کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے تھرو, کوئی بات ہائی لائٹ کرنا چاہیں کوئی امپروومنٹ کے لیے؟ کوئی ایک تو امپروومنٹ, دوسرا میں ان کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ٹیکسیز کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو شکایت ہے, گورنمنٹ کے ٹیکسی بہت زیادہ ہیں, اس کو کم ہونا چاہیے کیونکہ اینڈ یوزر جو ہے وہ کافی بٹن پڑ جاتا ہے اس کے اوپر. اگر ٹیکسیز کم ہوں گے تو آپ کی بھی کاسٹ کم ہوگی, اینڈ یوزر کو بھی فائدہ. اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی ریفارمس چل رہے ہیں. ابھی ریفارمس کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں آپ کو چیلنجز آئیں گے اور وہ آ رہے ہیں, اس میں نگیٹو بھی گورنمنٹ کے خلاف جا رہا ہے سارا کچھ. لیکن میرا ایک بلیو ہے کہ یہ ریفارمس آپ کے لیے ہیں, لوگوں کے لیے. جب یہ پوری طرح اپلیکیبل ہو جائیں گے, سارا کچھ ہو جائے گا, یو آر دا پرسن ہو ول فیل کہ یار یہ اچھا تھا ہمارے لیے. سعودی عربیہ میں سیم سچویشن ہے. ادھر بھی آپ کو پتا ہے کہ جو چل رہا ہے ابھی ریفارمس چل رہے ہیں ادھر بھی, ویری ٹف پیریڈ ہے. ایسا پیریڈ میں نے 20 سال میں سعودی عربیہ میں نہیں دیکھا. ایون جو لوکل ہے ادھر کے, دے آر آلسو ویری اپسیٹ کہ جو ہو رہا ہے. لیکن ایک ویژن ہے گورنمنٹ کا, ادھر کا بھی ایک ویژن ہے, ان کا بھی ایک ویژن ہے. لیٹس سی, تھوڑا ٹائم دیں, ہوپ فلی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ. ہاں اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے. In a vision of the future, I saw.